तो साथियों हम पहुंचे हैं अभी प्रखंड कार्यालय तालझारी और राजाराम ठाकुर घर इनका दुष्कोल है। क्या हुआ यहाँ? सांप है वहाँ कबरा के नीचे। कौन सांप है? गहुआन। इनका कहना है कि गहुआन सांप है और हम पकड़ने के लिए आए हैं। हमारा प्रयास रहेगा सुरक्षित रेस्क्यू करना, क्योंकि पर्यावरण के लिए सांप बेहद जरूरी है। दोस्तों देखते हैं ये कि क्या कर सकते हैं हम। डरेगा नहीं, यही ढूंढ रहा है। सौरभ भैया कुछ नहीं, सौरभ भैया रुक दो दीजिए, यही ढूंढ। छोटा पकड़ा जाएगा, छोटा डंडा दीजिए, डंडा उधर मत जाओ। बिरयानी बनाई भी, बिरयानी बनाई भी की लेग पीस लामी कहा देता नहीं मिलते खुद पी। अजगर का बेटा धड़वा लागू बोतल लाओ। कोई सॉफ्टा चीज है? बांसे है। देखिए वो लकिया थैला से रखिए, लेकिन इसकी इस सांप की पहचान नहीं हो पाई है कि कौन सा सांप है। यहाँ पहाड़ के भी लोग हैं
और पहाड़ के नीचे के भी लोग हैं और यहाँ देख रहे हैं प्रखंड के भी लोग हैं, लेकिन किसी ने सांप को नहीं पहचाना। अब कौन सी सांप है यह तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि सांप का कोई पकड़ने का कोई मंत्र नहीं होता, कोई तंत्र नहीं होता, कोई यंत्र नहीं होता, और यंत्र होता है तो यह उसका औजार है। इसे आप स्नेक रेस्क्यूअर रखते हैं, इसे स्टिक कहा जाता है, और एक औजार हमारे पास यह है, और एक औजार जो है डबल रखे हुए हैं, दूसरा औजार है सांप को रखने की एक थैली। और सांप पकड़ने के लिए बस आपको पास हिम्मत होनी चाहिए, और बिना हिम्मत का सांप नहीं पकड़ाएगा। और सांप की पहचान होनी चाहिए कि वह कौन सी सांप है। जब तक आप सांप को नहीं पहचानते हैं तो पकड़ना नहीं चाहिए, और जो ट्रिक नहीं जानते हैं उनको तो बिल्कुल वहाँ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि सांप जहरीला भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि सांप जहरीला होगा तो आप समझ रहे हैं कि क्या होगा, कि पूरी सब्जी निश्चित रूप से बटेगा, और पूरी सब्जी इसलिए बटेगा कि क्योंकि आप जाएंगे किसी ओझा बाबा के यहाँ और कराएंगे क्या सांप का बैनम जो है अस्पताल में ही मिलेगा, एंटी बैनम। सांप में दो प्रकार की जहरें होती है और दोनों बैनम आपको अस्पताल में मिलेगा। तो कोई भी सांप जब काट लेता है तो क्या होता है कि सांप लोग घबरा जाते हैं, सांप 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 घोड़वा भी यदि काटेगा तो सांप काट लिया। उसके बाद आप जाएंगे झड़वाने फुकवाने, सांप का ओझा जो है आपका बांध देगा बोझा, और आप चले आएंगे खुशी खुशी अपने घर, और पूरे गाँव में चर्चा होगी, बोझा का बजेगा बाजा, और आपका क्या होगा, आपका तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको जहरीला सांप नहीं काटा है। इसलिए जहरीला सांप कौन कौन होता है मैं बताने जा रहा हूँ। कोबरा प्रजाति का जितनी भी सांप है सब जहरीला होता है, करैत प्रजाति का जितना सांप है सब जहरीला होता है, करैत में अहिराज होता है जिसमें कि पीला पीला धारी होता है, बहुत खूबसूरत एक फूलमाला की तरह लगेगा। दूसरा है रसल स्वाइपर जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, विश्व का तीसरा, विश्व एशिया का सबसे तीसरा सबसे खतरनाक सांप जो है रसल स्वाइपर होता है, और करैत जो है वह निशाचर प्राणी है, साइलेंट किलर है जो कि बिछावन में चढ़कर काटता है। और कोबरा जो होता है जिसे आप नागराज कहते हैं, बम बम भोले हर हर महादेव कहते हैं, लेकिन ऐसा भूल मत कीजिएगा, वह आपका काल है, कालों का काल महाकाल है। हालांकि उसमें कुछ गुण होते हैं कि वह डायरेक्ट बाइट नहीं करता है, उसके सामने में आप पड़ेंगे तो पुकार मारेगा, डायरेक्ट बाइट नहीं करेगा। अंतिम निर्णय है उसका बाइट करना, जब समझ लेगा कि अब हमको काटना ही होगा तभी भी काटेगा, दो तीन चार बार फुफकार मारता है। रसल स्वाइपर गोल रहेगा और सीधा मुंह खोलेगा और बाइट कर देगा, मतलब बड़ा यदि रसल स्वाइपर है तो 1 मीटर के दूरी तक वह बाइट करके वापस होता है। तो दोस्तों जब भी सांप काटे तो आप अस्पताल जाएं और ओझा गुनी के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहें। जय हिंद, जय भारत।